अब मैं तनिषा की लाइन चुरा रहा हूँ कि ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार हम काम कर रहे हैं. इट डिड फील वेरी लाइक आई एम गोइंग टू गिव हिम दैट टैग. मैं वो टैग देने वाली हूँ. ज्यादा ही प्रोफेशनल है ये बंदा. ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा नहीं करते हम. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. बहुत हाय, माय नेम इज तनिषा मेहता एंड आई एम नामिक पॉल एंड यू आर वाचिंग फीफा फूस टीवी. थैंक यू. या एक्चुअली यू नो वॉट, काफ़ी मतलब मैं हमेशा सोचती हूँ कैसा रहेगा फर्स्ट मॉक शूट या किसी के साथ परफॉर्म करना है, तो आई ऑलवेज गेट नर्वस कि वो केमिस्ट्री दिखेगी या नहीं. बट इट वॉज वेरी डिफरेंट दिस टाइम. इट केम आउट वेरी नेचुरली दिस टाइम. सो हाँ, मैं तनिषा की लाइन चुरा रहा हूँ कि ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार हम काम कर रहे हैं. इट डिड फील वेरी लाइक कि कर रखा है पहले काम एक साथ. सो दैट वॉज वेरी गुड. Friendly, professional. Actually, professional. I'm going to give him that tag. मैं वो टैग देने वाली हूँ. ज़्यादा ही professional है ये बंदा. नहीं, it was she was very easy to work with. She was very helpful और supportive scene partner and chilled out. तीन चीज़ें. फ़ोन. अच्छा. स्क्रिप्ट. फ़ोन. और हेयर स्प्रे. हाँ एक्चुअली या ब्लू कलर का इसका हेयर स्प्रे. या शी डजंट कैरी द स्क्रिप्ट बिकॉज़ ये याद करके आती है. फोन. कुछ पीने के लिए गर्म पानी या ऐसे कुछ कॉफी टाइप. और क्या कैरी करती हो तुम? कुछ भी नहीं. हाँ बस ये दो चीज होती है. खुद को. हाँ अच्छी लगती है. दैट इज वेरी फोकस्ड. Yeah, and that energy comes to me also. मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा focused रहूँ. That she doesn't take things unnecessarily seriously. She keeps it light. मतलब वो फिर जैसे if she's saying my focus transferred to her when somebody is calm और उनकी जो positive अच्छी energy थी कि हो जाएगा वो मुझ में आ जाती है. So she calms me down a bit. क्या है तुम्हारा? नहीं आई नो, मैं सोच रहा हूँ क्या है इसका. वही पूछ रहा है कि क्या है तुम्हारा. ऐसा कुछ बोलती है. तुम्हारा क्या है? मेरा भी क्या है? ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा नहीं करते हम. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. बहुत इजी गोइंग लोग हैं हम. नहीं, वो एक्चुअली मैं ज़्यादा स्लैंग में बात करती हूँ ऑफ स्क्रीन एंड ही इज़ वेरी मतलब उसकी हिंदी एकदम प्रॉपर है. तो मुझे सर्दी हो गई थी तो मैं सर्दी बोलती हूँ और इसने जुकाम जुकाम पूरे दिन वो जुकाम बोल रहा था. मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है ये. सो या ही यूज़ वेरी टिपिकल एंड प्रॉपर टर्मिनोलॉजी. तकिया का कलाम तो मैं नहीं बोलूँगा बट इसका वही है. वो इसको एक तो मुझ पर बहुत हंसी आती है और फिर पता करना होता है कि लोग हंस रहे हैं तो क्यों हंस रहे हैं. इसका मेन ये है जितना मैंने अभी तक नोटिस किया. आगे आगे हम शोर नोटिस मोर. ये शूट करने के टाइम पे बहुत मतलब फनी लग रहा था. बहुत यातन करना पड़ा मुझे. हाँ. बहुत बेचारे को बहुत मेहनत करनी पड़ी मतलब लाइक इस पोज में आने के लिए. सिर्फ आप लोगों के लिए. हाँ क्या क्या वो क्वेश्चन है? सॉरी पोल कुछ नहीं है. मैंने अभी बोला भी है कि ये पता नहीं मैं एक तो मेरे कैरेक्टर को गुस्सा होना और से मेरे गुस्से के फेस से बड़ी हंसी आती है और मुझे बड़ा फिर वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स सा कि यार एम आई लुकिंग फनी बिकॉज मुझे मेरे कैरेक्टर को गुस्सा बहुत होना है तो मैं ऐसे गुस्सा होकर खड़ा होता हूँ और ये ऐसा हंसना शुरू कर दी थी मेरी शक्ल पे. हमने व्हाट इज हैपनिंग. फिर मैं डायरेक्टर से पूछता हूँ सर फनी लग रहा हूँ क्या? बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं लग रहा. ठीक है सीन कर चुपचाप बस. फनी कैसे? नहीं नहीं मैं सिचुएशन पे हंस रही हूँ. मैं सीरियस सिचुएशंस में हंसने लगती हूँ. कोई गिरता है तो फिर भी मैं हंसने लगती हूँ. आई कांट हेल्प इट. टचवुड ऑल गुड और वेरी इजी गोइंग. या इट्स दे सी वी बोथ नो कि शो इम्पोर्टेंट है. वी बोथ नो कि हम दोनों को कैसे सीन करने हैं. हमें ब्रीफिंग मिल चुकी है अभी भी मिलती रहती है. सो अभी फोकस इज जस्ट मेक द शो गुड मेक द शो ग्रेट. उसके लिए जो करना पड़े शी इज़ रेडी आई एम रेडी एंड व्हेन यू हैव अ सपोर्टिव को पार्टनर देन इट्स फन.
जो इनकी लव स्टोरी है वो काफ़ी अलग है, जो मुझे लगता है काफ़ी मतलब ऑडियंस में काफ़ी सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। जी आई थिंक जो इनके सीन्स हमारे लिखे हैं साथ में काफ़ी डिफरेंट हैं एंड मुझे पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगे, आई थिंक देखने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे। The entire show, the entire team, the crew, the script, the story, the channel, the production house. Exactly. There's nothing. मतलब, yeah. Again, मैं touch-wood ही करता जा रहा हूँ पूरे इसमें interview में क्योंकि ये सब कुछ अच्छा ही है. Thank you so much. Thank you.